आ गया है होश तो। खुद तो बड़े आराम से तू आईसीयू में पड़ा हुआ था, जानता है हम पे क्या गुजर रहे? इमेजिन भी नहीं कर सकता किस तकलीफ से गुजरे हैं मैं और वो भी। तुझे अगर परवाह होती तो नौ बजाते उनके सर पे तो इश्क का भूत सवार था। कितना मना किया कि मत पढ़ जिंदगी के चक्कर में, लेकिन नाजी तो तू। नाजी कैसी है जैन? तुम तो उससे मिले होगे ना? मेरा पूछा उसने क्या कह रही थी वो? उसे बहुत फिक्र है तेरी, अस्पताल में तुझे देखने भी आई थी। क्या नाजी खुद आई थी यहाँ? अरे तुम मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? हाँ हद करते हो यार तुम लोग। यार तुम बेहोश था, इस हालत में कैसे बताते? अच्छा फाखिर मेरी बात सुन, ज्यादा बातें ना कर, आराम से रेस्ट कर, किसी भी चीज की जरूरत हो हमें बता देना, मैं वो भी बाहर ही हूँ, ठीक है? यार जैन प्लीज यार, मैं नाजी से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे उससे मिलवा सकते हो? मिल लेना उससे, एक बार ठीक हो जाए तो मिल लेना, लेकिन अस्पताल में नहीं, मेरे घर में। तुम्हारा घर मतलब लाहौर? नहीं, मैं कराची शिफ्ट हो रहा हूँ और दो चार दिन में घर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं, वाकई में? हाँ वाकई यार, तुम्हें दिल खुश कर दिया। यार जैन प्लीज डॉक्टर से बात करो यार, मुझे यहाँ पे मजीद नहीं रहना, मुझे बहुत जल्द नाजी से बात करनी है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अच्छा चल अभी तो रेस्ट कर, देखते हैं। मैं आपको डेट लगा दूंगी।